गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कॉल आए और आपके फ़ोन का जो बॉर्डर लाइन है वो स्टार्ट हो जाए जलना, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि काफ़ी अभी फ़ोन में बहुत सारे फीचर आ रहे हैं इस इफ़ेक्ट के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो वी ट्वेंटी में इस फीचर के बारे में कि उसमें पहले से अवेलेबल है यह फीचर। काफ़ी फ़ोन में होता है कि आप अलग से एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तो उससे होता है, लेकिन इस फ़ोन में वीवो वी ट्वेंटी फ़ोन में आपको पहले से यह फीचर दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी वीवो वी ट्वेंटी फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आपको कैसे मालूम चलेगा कहाँ फीचर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको गाइज यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप सेटिंग में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि नेटवर्क, इंटरनेट, ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्ट, डिस्प्ले ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर और डायनेमिक इफेक्ट। जी हाँ गाइज, यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट एक ऑप्शन दिया गया, एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है जो कि किसी भी फ़ोन में नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये सब फीचर देखने को मिलेगा, जो कि एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, अनलॉक एंड इंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, फिंगर प्रिंट आइकन एनिमेशन, फिंगर प्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन, यूएसबी स्टार्टेड एनिमेशन और स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। तो यहाँ पर आपको इतने सारे इफेक्ट दिए गए हैं, जो भी इफेक्ट आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। मैं यूज करने वाला हूँ अपने फ़ोन कॉल के ऊपर कि मेरे फ़ोन में कॉल आए तो तुरंत बॉर्डर लाइट जलना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट पर क्लिक करना होगा। साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कस्टम टाइम को लेकर, स्टार्ट और एंड को लेकर। यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल का एक ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपके फ़ोन में कॉल आएगी। यहीं पर आपको इसको इनेबल सबसे पहले कर देना है, जैसे कि मैं पहले से इनेबल किया हुआ हूँ। उसके बाद आपको नीचे लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि लाइट इफेक्ट रहेंगे। जो भी आप चाहें उसको चूज कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसे देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, आपको जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपको बॉर्डर लाइट दिखाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप कलर भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर अपने बॉर्डर को और भी हल्का या मोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रिज, यहाँ से जितना भी आप खिसकाएँगे आगे की तरफ, आपका बॉर्डर लाइट बहुत ही गाढ़ा या बहुत ही मोटा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हल्की लाइन को अच्छे से सेट कर दीजिए, जिससे आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगे, बहुत ज़्यादा मॉडलिस्ट लगे। तो आप इसी तरह सेट कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल जैसे ही आपके फ़ोन में आएगी तुरंत डायरेक्टली यहाँ पर आपका जलना स्टार्ट हो जाए। इसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। अब आपका सेट हो चुका है, जैसे आपके फ़ोन में इनकमिंग कॉल आएगी डायरेक्टली यह इफेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बताना था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।